तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि शिक्षक रहते हुए उनके पिता के पास करोड़ और अरबों की संपत्ति कहां से आई, इसका जवाब कौन देगा? उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव और दूसरे चाचा आजम खान जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पिता एक साधारण शिक्षक रहते हुए उनके पास करोड़ और अरबों की संपत्ति कहां से आ गई, इसका जवाब कौन देगा? साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत की, पहले वो अपना गिरेबान झांक लें, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं और सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ बीजेपी से नेता सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुरेंद्र, सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर आरोप लगाया है कि शिक्षक होने के बावजूद इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई अखिलेश यादव के पास, क्या मतलब है इसका? सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? तो सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर यह आरोप लगाया है कि जब अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक थे तो उनके पास करोड़ों और अरबों की संपत्ति कैसे है। इसी को लेकर शिक्षक के बेटे के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई, ये सुब्रत पाठक ने आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो उनके चाचा है शिवपाल यादव और दूसरे चाचा आजम खान, वो एजेंसियों के रडार पर बने हुए हैं। तो हमारे साथ एक बार फिर से सुरेंद्र कुमार बीजेपी से नेता जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। सुरेंद्र, इस तरह के बयान का क्या मतलब है? देखिए पूरन जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि माननीय सांसद महोदय ने जो बयान दिया है इसको आप लोग गलत या विपक्ष के लोग जो गलत तरीका से ले रहे हैं वो तो अब उनकी सोच है, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने गलत तो कहा नहीं। क्योंकि आप सोच के देखिए, जिस घर में एक साधारण सरकारी नौकरी करने वाले लोग उनके पास जो है सैकड़ों बीघा जमीन हो जाता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है, एक से एक गाड़ियां उनके पास हो जाता है, तो ये तो सवाल पूछना लाजमी है। एक आम इंसान के तरह अगर देखा जाए, एक आम इंसान अगर सवाल करे तो ये तो जायज है। तो इस सवाल की अब ही क्यों याद आई सुरेंद्र जी? नहीं, अभी याद नहीं आई। अब एक चीज आप सुनिए पूनम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अब से पहले भी अगर आपने सुना होगा अखिलेश यादव जी के ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ, डिंपल यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ, शिवपाल यादव जी के ऊपर, रामगोपाल यादव जी के ऊपर, उनके पूरे खानदान के अंदर जितने भी लोग हैं सारे के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का एफआईआर दर्ज है, उस पर केस चल रहा है, किसी की जांच चल रही है। तो इन लोगों ने तो प्रदेश को लूटने का काम किया, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भाई भतीजा को बढ़ाने के अलावा आम जनता का पैसा जो विकास के कार्य में लगनी थी उसको जो है इन लोगों ने अपने परिवारवाद को बढ़ाने में, अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा दी। और इनके चाचा जी है आजम खान जी के जो कॉलेज पे जो आज सीबीआई की रेड पड़ी है या उनके ऊपर ईडी की जो रेड है, आज उनके ऊपर जो केस चल रहा है, जो फंड जनता की फंड के लिए था, जिस स्कूल में 4000 बच्चे गरीब पढ़ते थे, इनकी सरकार आई तो उन्होंने कब्जा करके उन, तो आपके हिसाब से जो सुब्रत पाठक ने बोला है वो सही है? बिल्कुल सही है, वो गलत क्या बोले, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गरीब बच्चे। चलिए इसी पर हमारे साथ सपा से प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। भुवन, ये सुरेंद्र जी का ये कहना है कि जो आरोप है वो सही है और इसमें कुछ गलत नहीं है। पूनम जी, ना तो मेरे को लगता है इनके सांसद पाठक जी और ना ही हमारे जो साथी प्रवक्ता है सुरेंद्र जी, मेरे को लगता है इन्होंने अध्ययन करना छोड़ दिया है। विपक्षी पार्टी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा लगातार माननीय अखिलेश यादव जी की, माननीय डिंपल जी की जांच होकर क्लीन चिट मिल गई है और इन्हीं की कार्यकाल में हुआ है,
तो ये तो अपने ना तो संविधान को मानते हैं ना अपने बनाए कानून को मानते हैं, और जिनकी बात पाठक जी कह रहे हैं, क्योंकि पाठक जी का विषय चल रहा है, सुरेंद्र जी तो हमारे इतने प्रवक्ता है, हमारे साथी है, लेकिन मैं उनकी बात को अवश्य बनना, मैं दावे के साथ करता कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम है या थोड़ा बहुत भी शिष्टाचार है, तो वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला कराया अजीत पवार ने, और हम ये कह रहे हैं उनकी जांच करवा लो, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो इनमें हिम्मत है अगर पाठक जी में के बड़बोलेपन की जो इनकी छवि बन गई है कन्नौज में, पूरे कन्नौज में जो बड़बोलेपन के नेता के रूप में इनकी छवि बनी है, ये केवल इसी का नतीजा है, ना तो इन्हें कानून का ज्ञान है, ना इन्हें पता है कि उनकी जांच कब हुई, इसकी उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, और इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ना इनका आधार है, ना ये अध्ययन करते हैं, ये केवल बड़बोलेपन के रूप में अपनी छवि को बना चुके हैं पूरे कन्नौज में। और क्या लगता है कि इस तरह का आरोप सुब्रत पाठक की ओर से क्यों लगाया जा रहा है भुवन जी? सुब्रत पाठक को पता है कि 24 में ये इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, खासतौर पे सुब्रत पाठक की कन्नौज में, कन्नौज के लोगों को छलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करा है, अब ये ऊल फजूल बयान करके हाइट पाना चाह रहे हैं, और हाइट बनती है काम से। जो माननीय अखिलेश यादव जी की हाइट है वो इसलिए है कि उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया, उन्होंने एलिवेटर रोड बनाया, उन्होंने मेट्रो चलाई, उन्होंने एकाना स्टेडियम बनाया जिसमें इनके मुख्यमंत्री जी योगी जी शपथ ले पाए, तो ये काम करने से हाइट बनती है, ये बड़बोलेपन के जो बयान है वो आपका दिवालियापन दिखाते हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, भुवन जी कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन ये जमानत जब्त होने के डर से इस तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूनम जी मैंने ये कहा कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, किसी की केस चल रही है, किसी की जांच पूरी हुई है, मैंने ये कहा। प्रोफेसर साहब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कहा आय से अधिक संपत्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, अगर आपने लूट खसोट नहीं किया तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होता ही नहीं। जब तक अगर आप चोरी नहीं करोगे तो आपको चोर नहीं कहा जाएगा, एक बार। अब इन्होंने अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि कन्नौज जो है वहां से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये तो रामपुर भी कहते थे हमारा किला है, आजमगढ़ भी ये कहते थे हमारा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता होशियार हो चुके हैं, अब यह परिवार बात से बाहर निकलना चाहते हैं, इन लोगों ने मैनपुरी इटावा और सफाई के अलावा कहां कहां इन्होंने विकास करने का काम किया, सफाई में जो जनता का पैसा था वहां पे जो है इन लोगों ने किस प्रकार के नाच नचवाए हैं, वो तो वहां की जनता ने देखा है।